हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं फिर आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर, जो कि आपकी डेली लाइफ के कामों को बहुत ही आसान बना देगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से, किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम कुकर में खाना बनाते हैं तो कई बार कुकर में पानी होता है और उस पानी को हम गैस की फ्लेम को तेज करके जलाते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी गैस वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल एक छोटी सी ट्रिक लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले कुकर में से एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेना है और उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को तेज करके और कुकर को उल्टा करके इस तरह से पानी को सुखाना है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए इससे कुकर का पानी कितनी जल्दी सूख गया है और इससे आपकी गैस की भी वेस्टेज नहीं हुई। आई होप फ्रेंड्स आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, हम शादियों या पार्टियों में जाते हैं या फिर हम घर में कुछ ऐसा स्पाइसी खाते हैं तो हमारे सीने में जलन होने लगती है और गैस सी बनने लगती है। तो मैं इसके लिए बहुत ही ईजी एक घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स, आप आधा कप दूध को ले लीजिए। अभी ठंड का मौसम है इसलिए आपको नॉर्मल दूध को लेना है, आपको गर्म दूध को नहीं लेना है। और गर्मियों का मौसम आए तो आप इसके लिए फ्रिज का ठंडा दूध भी ले सकते हैं। आपको आधा कप दूध लेना है और उस दूध को आपको सिप सिप करके पीना है। फ्रेंड्स, जब आप इस दूध को पियेंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपके सीने में जलन में तुरंत ही आपको आराम मिल जाएगा। आप इस ट्रिक को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, मेरी ये लास्ट ट्रिप बहुत ही यूजफुल है। जब हम माचिस को जलाते हैं तो माचिस की तिल्लियों को ऐसे ही फेंक देते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। इसके लिए आपको माचिस की एक खाली डिब्बी को भरी हुई माचिस की डिब्बी के साथ इस तरह से आटे से लगा देना है। आप इसके लिए ग्लू या फिर फेविकोल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप जब भी माचिस को जलाएंगे तो आप माचिस की तिल्ली को इस खाली डिब्बी में डाल दीजिए। इससे माचिस की तिल्ली इधर उधर नहीं बिखरेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको इन ट्रिक्स में से कोई सी ट्रिक्स पहले से पता थी और आपको इन सब ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक्स सबसे ज़्यादा पसंद आई।